हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चैनल दीप एडू जोन में और मैं हूं दीपक कुमार, और शिक्षा जगत की खबरें लेकर उत्तराखंड की मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डायट डीएलएड संघ ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, शिक्षक भर्ती में देरी का पर बेरोजगारों में आक्रोश है। तो आपको पता ही होगा कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो थी, बेसिक शिक्षकों की जो भर्ती थी, जो कि 2018-19 में भी आई थी, 2020-21 में और फिर से 20-21 में यहाँ पर जारी की गई, ठीक है। तो उसमें कई सारे पदों के लिए 2600 पद इसी साल जारी किए गए, तो उनकी जो भर्ती है वो लटक पता नहीं कब आएगा। वो बहुत से जो बेरोजगार हैं वो प्रतीक्षा में हैं। जो तेज़ी यहाँ पर एलटी परीक्षा के लिए दिखाई जा रही है, जो एलटी परीक्षा का जिसका आयोजन होने वाला है 25 अप्रैल को, जो तेज़ी वहाँ दिखाई जा रही है वो तेज़ी बेसिक शिक्षकों की भर्ती में नहीं दिखाई जा रही है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि जो प्राथमिक शिक्षक है, जो प्राथमिक शिक्षा है वही जो होती है फाउंडेशन होती है किसी भी शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा ही अगर अच्छी नहीं होगी भी बच्चे की, तो आगे जो हम अगर उसके ऊपर जो भवन निर्माण करना चाहते हैं, भवन निर्माण करना चाहते हैं, जैसे जो अपर क्लासेस हैं उनका निर्माण अच्छा करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा भी बच्चों की बहुत मजबूत और बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है सरकार को कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भी वही तेजी दिखाए जो कि एलटी शिक्षकों की भर्ती में वो दिखा रही है। तो जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि आंदोलन किया जाए और लोग अपनी बात उठाएं। और क्योंकि लोग शांत पड़े हुए हैं तो सरकार भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस मामले में, और जो मामला है वो अब कोर्ट पहुंच चुका है और देरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में कि जिस तरीके से एलटी शिक्षकों की भर्ती में तेज़ी दिखाई दे रही दिखाई जा रही है, सरकार इसमें भी तेज़ी दिखाए और जो कोर्ट में लंबित मामला है उस पर जल्दी से तेज़ कार्रवाई की जाए, उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और जितनी जल्दी हो फैसला आए इसका प्रयास किया जाना चाहिए। यदि किसी अगर जो अगर हम देखते हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके कोई केस होते हैं तो कितनी जल्दी मतलब उनके फैसले आते हैं, उनको कितनी जल्दी उनका फैसला आके उनको रियायत दे दी जाती है, राहत दे दी जाती है। तो क्यों जो शिक्षा है, जो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है, उत्तराखंड के बच्चों की जो शिक्षा है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है मामला, और देर पर देर हो रहा है। 2018 की भर्ती है, बताइए 2018-19-20-21 चार साल हो जाते हैं यहाँ पर, तो अभी तक उसकी भर्ती का वो नहीं आया है। कई लोगों की उम्र सीमा 4 साल बढ़ जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, कितने समय निकल जाएगा उनको और कितना समय मिलेगा उनको जॉब करने के लिए, कितना कम समय मिलेगा ऐसा करके जॉब के लिए, और कितने की उम्र निकल जाएगी। तो ये सब बातें हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए सरकार को। यहाँ पर हम देखें तो बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने के लिए बेरोजगारों ने सरकार में हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने की मांग की है। देखिए यहाँ पर सेम है जिस बात को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, हाईकोर्ट में अगर सरकार द्वारा प्रभावी पैरवी की जाए तो क्यों नहीं इसका हल निकलेगा, जल्दी निकलेगा, जिस तरीके से बाकी मामलों में सरकार करती है क्यों शिक्षा के मामले को लटकाया जाता है। शनिवार को डायट डीएलएड संघ ने इस मुद्दे पर 5 अप्रैल को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय डायट के 3रे बैच की काउंसलिंग के दौरान के दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। संघ पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने शिक्षक भर्ती के आवेदनों की डाटा एंट्री को की धीमी रफ्तार पर भी नाराज़गी जताई है। देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री बहुत धीमे हो रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पवन मस्यूनी का कहना है कि अभी तक डीएलएड में के पहले बैच की नियुक्ति नहीं हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बैच की नियुक्ति नहीं हुई है, विभाग ने 3रे बैच के लिए भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाना है, लेकिन चंपावत पौड़ी में डाटा एंट्री शुरू तक ही नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंपावत और पौड़ी में तो डाटा एंट्री तक शुरू नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी टिहरी चमोली अल्मोड़ा में काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है। प्रदेश सचिव हिमांशु जोशी ने कहा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के बाद की वजह से रुकी हुई है, जो विवाद चल रहा है इसको लेकर उसकी वजह से रुकी है। सरकार को चाहिए कि प्रभावी तरीके से इसकी पैरवी करे और स्टे को खारिज कराए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का तो यहाँ पर ये दे रखा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया इसलिए रुकी है क्योंकि जो बात चल रहा है, जबकि जो पिछला है उसका डाटा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सही तरीके से तेजी नहीं दिखाई जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष दीपा राणा ने कहा कि पिछले दो साल का
विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद भी 650 डायट जो डीएलएड बेरोजगार हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं, यह शुभ संकेत नहीं है। बैठक में देहरादून और कई सारे लोग यहां पर मौजूद थे। और यहां पर यह अगर मामला देखते हैं तो सरकार ने यह इस साल 2600 बेसिक शिक्षकों की भर्ती कराने का निर्णय किया था। इसी बीच एनआईएस के जरिए जो एनआईएस के जरिए डीएलएड करने वाले बेरोजगारों ने भी भर्ती में शामिल होने का दावा किया। एनसीटी के आदेश की वजह से सरकार ने एनआईएस डीएलएड को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी। इस आदेश के खिलाफ बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार ने हाईकोर्ट में रिट दायर किए। मार्च में हाईकोर्ट एनआईएस डीएलएड का सशर्त प्रक्रिया में शामिल होने को अनुमति दे दी, लेकिन आदेश के खिलाफ सुनवाई जारी है। 30 अप्रैल को इसकी फिर से सुनवाई है। तो यहाँ पर देख सकते तो आप क्या, तो यहाँ पर जरूरी है कि जो सरकार है बहुत अच्छा स्टैंड ले, थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत तरीके से पैर भी करे ताकि इसका हल निकले। अगर नहीं हो रहा है तो सिरे से भी इतने ज़्यादा समय क्यों निकाला जा रहा है। 2018 की भर्ती का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 2020 की लटक चुकी है भर्ती, पहले से ही विवादों में आ चुकी है और कोर्ट में चक्कर खा रही है। इससे बढ़िया तो यह कर देते, या तो सीधे से एक एग्ज़ाम कर देते, जिस तरीके से एलटी एग्ज़ाम करा रहे हैं एलटी एग्ज़ाम ही कर देते। कम से कम कोई निष्कर्ष निकले, कोई भर्ती हो, कोई तो निकलेगा, कोई तो भर्ती होगा, कम से कम किसी का भला होगा। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। और अन्यथा ये भर्ती भी अब क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, 2022 में चुनाव होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर से जो ये भर्ती है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। तो ज़रूरी है कि सभी लोगों को, जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, सभी लोगों को अपने अपने स्तर से प्रयास करें कि भाई या तो इस भर्ती का कोई ना कोई जल्द से जल्द एक सॉलिड निष्कर्ष निकाला जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ये होना चाहिए। और 2018 की तब से पड़ी हुई है उसमें तो तेज़ी दिखाई जाए, यहाँ पर ये कहना चाहेंगे। तो इसके बारे में आपका विचार क्या है, अपना राय, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।